आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। रामचनी घाट में दो घटनाएं हुई थी, एक 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद में और दूसरी हुई थी 29 दिसंबर को छठा में। ये दोनों घटनाएं हत्या की थी और उसमें केस 302 का दर्ज था। दोनों ही घटनाओं में दो वृद्ध महिलाओं की हत्या हुई थी, वो हम लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग था। और उसमें पहले दूसरी घटना में दयारामपुरा में किसी मूवमेंट के दौरान जिसको अटेम्प्ट के रूप में देखा गया था, वहाँ से वीडियो और फोटो मिला था हम लोगों को, जिसको उन्होंने डेवलप करके लोगों में एक लगातार टीमें लगी हुई थी रामचनेही घाट के और आसपास के थानों के, और हमारे 6 अधिकारीगण वहाँ पे सीओ साहब एडिशनल साहब सब लिख करके इवन थे। हम लोगों ने अयोध्या के साइड के जो बॉर्डर के गांव थे उनमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लोगों की संज्ञान डाला कि इस तरह का व्यक्ति अगर कहीं मूवमेंट में दिखता है जो हमारे लिए फर्स्ट और सबसे बड़ा सस्पेक्ट दिख के रूप में आया था उसको चिन्हित करें। उसी क्रम में जब मुंबई में व्यक्ति दिखाई पड़ा, वहाँ किसी ने अटेम्प्ट किया तो लोगों ने उसको पकड़ा और वह पुलिस को हैंडओवर किया। संज्ञान में आया रामचनेही घाट की पुलिस और हमारे यहाँ से लोग गए ऑफिसर्स, उससे पूछताछ की गई, उसने पूरी घटना को बताया और घटना बताया नहीं वहाँ के भौगोलिक स्थिति को भी उसने सत्यापित किया कि जैसे बताया बोला कि कन्फर्म है। उसने पूरे प्रकरण को बताते हुए बताया कि वो 4 को लौट के आया था सूरत से, 6 महीना वो सूरत में रहा और सूरत से लौटने के बाद ये उसने 2 यहाँ पे और 2 घटनाक्रम जो आते हैं दयारामपुरवा और ये जो अभी हुनहुना में हुआ मुंबई में, इन घटनाओं को बताया कि मेरे द्वारा ही की गई थी। बातचीत के क्रम में पूछताछ में उसने कहा कि उसे कोई ताबीज चढ़ा पिला दिया है जिसके वजह से उसका दिमाग कभी कभी बीच में खराब हो जाता तो ऐसा कर बैठता है और ये एक अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है। यद्यपि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, उसके फादर ने 3 शादियाँ की थी और ये पहली पत्नी से पैदा लड़का है अमरेंद्र और जो रहने वाला सणवा गांव सुंदरा का है थाना का, और इसके बाद उसके फादर ने जो 2 शादियां की थी वो दोनों भी इनकी माँ सौतेली माँ मर गई, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई, तो वहाँ से भी कुछ इसके दिखा कि ज़िंदगी डेरेली थी। अल्टीमेटली ये इससे मनस्थिति में आ गया था क्योंकि कहता था कि हमें ओल्ड एज की महिलाओं को देता था तो मुझे आसानी लगती थी इनको आसानी से मार देंगे, और तो ये उसी हिसाब से अटेम्प्ट करता था। पूरी चीज़ों का उन दोनों घटनाओं से संबंधित जो परीक्षण जो के माल थे कपड़े आदि थे हमने परीक्षण के लिए भेज रखा है और इसको भी हम लोग अपने यहाँ वारंट पे लेकर के इसको पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे और सारी चीज़ें कंसर्न हैं वो इससे रिकवर की जाएंगी और परीक्षण के लिए भेजेंगे। इसका DNA सैम्पलिंग भी कराएंगे जिससे हमारे पिछले लिए गए जो हमारे स्वैप्स हैं उससे परीक्षण कराए तो मैच करा सकते, पर्याप्त एविडेंस है।